Hello students, today we'll continue with our chapter light and we'll discuss some new topics. Let's discuss formation of different types of images by concave mirror. अब हम देखेंगे कि concave mirror में किस किस टाइप की इमेज फॉर्मेशन हो सकती है. हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे रखेंगे. जैसे 6 लोकेशंस आर गिवन, वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते जाएंगे और नोटिस करेंगे कि इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी और उसका साइज कैसा होगा. लाइक द फर्स्ट लोकेशन जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और कंसीडर करेंगे कि ऑब्जेक्ट वहाँ पे है, दैट इज इन्फिनिटी. देन बियॉन्ड सी, सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन एट सी, देन बिटवीन सी एंड एफ, एफ इज प्रिंसिपल फोकस, देन एट एफ एंड एट लास्ट बिटवीन एफ एंड पी, एफ इज प्रिंसिपल फोकस, पी इज पोल. नाउ look at the types of images formed when the object is at infinity. सबसे important चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि ये ray diagrams कैसे बनाते हैं. जैसे मैंने आपको बोला, मान लेंगे कि first case में object is at infinity. Infinity means हमें नहीं पता, जहाँ बहुत दूर. तो हम हमेशा मानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो वहाँ से जो रेडिएशंस आती हैं वो हमेशा पैलर होती हैं. और इमेज फॉर्मेशन की केस में हमें हमेशा दो इंसिडेंट रेज रिक्वायर्ड होती हैं, बिकॉज जब वो दो इंसिडेंट रेज मिरर पे फॉल करने के बाद कहीं जाके मीट करती हैं तो उस जगह पे इमेज फॉर्मेशन होती है. मीट करने के लिए टू रेज आर रिक्वायर्ड. जैसे इन द फर्स्ट फिगर हम मान रहे हैं दैट ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो वहां से दो रेज आ रही हैं. अगर वो आ रही हैं तो मीन्स दे आर इंसिडेंट रेज, और इंसिडेंट रेज के एरोज कैसे होंगे, इनवर्ड्स टूवर्ड्स द मिरर. अब वो दो रेडिएशंस आई, अब जब वो मिरर पे जाके फॉल करेंगी तो वो क्या करेंगी. हमें पता है कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं तो रिफ्लेक्ट करने के बाद दिल पास थ्रू अ पॉइंट प्रिंसिपल फोकस. वी हैव स्टडीड दिस थिंग इन द रूल्स. तो इन्फिनिटी के केस में हम दोनों इंसिडेंट रेडिएशंस को पैरेलल लाएंगे और फॉल करने के बाद वो फोकस से वापस चली जाएंगी. इट मींस इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट प्रिंसिपल फोकस. और इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है. रियल मींस रिफ्लेक्टेड रेज खुद व खुद आके वहां मीट कर गई, इस वजह से वो कैसी बनी, रियल बनी. इन्वर्टेड मींस जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर नहीं बनी, उसके नीचे बनी. अनदर थिंग इज रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है. हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड मींस जो इमेज का साइज है वो एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्मॉलर है. और इमेज बनी कहाँ पे, एफ पे बनी. नाउ द सेकेंड लोकेशन दैट इज बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं भी पीछे, वहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को दिखाएंगे. ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन हम एक अवर्ड एरो से शो करेंगे. इन्फिनिटी के केस में हम वैसा नहीं करते. अब हमने जैसे आप देख पा रहे हैं फिगर में, ए बी इज एन ऑब्जेक्ट, वहां से दो इंसिडेंट रेडिएशंस आई. पहली आई
दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्ट बैक करके फोकस से जाएगी। सेकेंड रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड वी नो दैट अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करती है। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज किस पॉइंट पे आके मीट की? समवेयर बिटवीन एफ एंड सी। सो इमेज कहाँ बनी? बिटवीन एफ एंड सी। कैसी बनी? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या है? आप ऑब्जेक्ट का साइज देखेंगे ए बी, उसको कंपेयर करें इमेज के साइज ए डैश बी डैश के साथ, देन यूल फाइंड दैट द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर, सॉरी द साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर, इट मीन्स इमेज इज डिमिनिश्ड। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप उसी रूल को यूज करके रे डायग्राम बनाएंगे जो आपके टेक्स्ट बुक पे यूज हुआ है। हमने जो फोर रूल्स पढ़े थे आप उनमें से कोई भी दो रूल यूज करके अगर इमेज बनाते हैं वो सेम बनती है। जैसे इट्स नॉट नेसेसरी कि बियॉन्ड सी के केस में मुझे दूसरी रेडिएशन को सी से पास करवाना है, मैं वैसे कर सकती हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल कर लेती हूँ और मैं इंसिडेंट रे को फोकस से पास करा लेती हूँ तो वो वापस कैसे जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन से दो रूल यूज करना चाहते हैं, बिकॉज जो इमेज बनेगी वो सेम ही बनेगी इन एनी केस। थर्ड लोकेशन इज एट सी, मीन्स ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने ऑब्जेक्ट को एट सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा, वहां से दो इंसिडेंट रेज रिक्वायर्ड हैं। पहली इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो कहां से वापस आएगी? प्रिंसिपल फोकस से। सेकेंड इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से गई तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से वापस आएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दो रूल्स लगे हैं। अब हम देखेंगे कि जो रिफ्लेक्टेड रेज थी वो कहाँ पे आके मीट की? वो आके मीट की एट सी। इट मीन्स अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा होता है? जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतना ही इमेज का साइज होता है। नेक्स्ट केस इज बिटवीन एफ एंड सी। एक्चुअली हम करते क्या हैं? ऑब्जेक्ट को धीरे 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 मिरर के पास लेके जाते हैं। अब सी हो गया तो अब हम एफ और सी के बीच में कहीं भी रख देंगे। नाउ लुक एट द ऑब्जेक्ट ए बी दैट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। दो इंसिडेंट रेडिएशन लेंगे। पहली के केस में क्या किया? पहली इंसिडेंट रेडिएशन हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली तो वो कहाँ से वापस जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से। सेकेंड वन, अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वापस भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी। नाउ लुक कहाँ पे आके दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट करी? कहाँ मीट की? बियॉन्ड सी, सी के पीछे। इमेज कैसी बनी? रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ कंपेयर द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। आप देखेंगे कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, तो इमेज कैसी बनी? मैग्निफाइड। फिफ्थ केस इज इफ द ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट प्रिंसिपल फोकस। अगेन टू रूल्स। फर्स्ट रूल, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, then the reflected ray will pass through the focus. Second rule, if the incident ray pass through the center of curvature, the reflected ray will also pass through the center of curvature. क्या reflected rays कहीं पे meet कर रही हैं?
नहीं कर रही। तो हम क्या मानेंगे कि इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे बन रही है। कैसी बनी? रियल एंड इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड, कि इमेज के कंपैरिजन, सॉरी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन बहुत बड़ी। लास्ट केस इज बिटवीन एफ एंड पी। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में। कोई दो रूल लगाएंगे। पहला रूल क्या लगाया? कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैलर है तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से जाएगी। गॉन। सेकंड वन, अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगी। गई। आप देखें कि क्या मिरर के फ्रंट में दो रिफ्लेक्टेड रेज कभी मीट कर सकती हैं? इस केस में दे वोंट बी एबल टू मीट विद ईच अदर। सो हम उनको क्या करते हैं, मिरर के बैकवर्ड साइड एक्सटेंड करवा के मीट करवाते हैं। रिफ्लेक्टेड रेज मीट नहीं कर रही थी, हमने उनको एक्सटेंड करवा के मीट करवाया। इमेज विल बी वर्चुअल, इरेक्ट बिहाइंड द मिरर एंड मैग्निफाइड। दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इमेजेस दैट आर फॉर्म्ड इन केस ऑफ द कॉनकेव मिरर। एक बात ध्यान रखनी है, पहले पांच केस में रियल एंड इन्वर्टेड ही बनती है। सिर्फ एक ऐसा केस है जहां पे इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। वो कौन सा केस है? अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर के बिल्कुल पास रखें, दैट इज बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, इमेज बनाने के लिए हमेशा दो इंसिडेंट रेज रिक्वायर्ड हैं। इमेज वहाँ बनेगी जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी। इंसिडेंट रेज को दिखाने के लिए इनवर्ड एरो चाहिए कि वो मिरर की तरफ आ रही हैं। रिफ्लेक्टेड रेज को दिखाने के लिए आउटवर्ड एरो चाहिए कि वो मिरर से दूर जा रही हैं। और इन सिक्स केसेस में इट्स नॉट नेसेसरी कि जो मैं रूल बोल रही हूँ आप वो यूज़ करें। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में चार रूल्स पढ़े, आप उनमें से कोई भी दो रूल लगा लें। बट कीप वन थिंग इन माइंड, इंसिडेंट जो रेज हैं वो ऑब्जेक्ट से आएंगी। ऐसा नहीं आप कहीं से भी ला रहे हैं। जो आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो उसके टॉप जहाँ पे वो एरो खत्म होगा वहां से हम इंसिडेंट रेज को दिखाएंगे। सिर्फ हम इन्फिनिटी के केस में ऑब्जेक्ट को नहीं बनाते। नाउ दिस इज द टेबलो रिप्रेजेंटेशन कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन वो हो तो इमेज की क्या होती है, उसका साइज कैसा बनता है और इमेज का नेचर कैसा होता है। And as you are able to see, only if the position of the object is between P and F, the image formed will be virtual and erect. Here are various uses of concave mirrors. Concave mirrors are used as shaving mirrors, in torches, in searchlights and vehicle headlights, used by dentists to get large images of patient teeth. अब उनके पास कॉनकेव मिरर है, वो उससे जो टिथ है उसकी लार्जर इमेज देखना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि उससे मिरर की लोकेशन कहाँ पे रखेगा डॉक्टर, तो उसको जो इमेज दिखेगी वो इनलार्ज्ड दिखेगी। और सोलर फर्नेसेस में भी यूज होते हैं कॉनकेव मिरर, बिकॉज कॉनकेव मिरर आर द कन्वर्जिंग वन। वो लाइट को, हीट को कंसंट्रेट कर सकते हैं एक पॉइंट पे आके। कौन से पॉइंट पे आके? प्रिंसिपल फोकस पे। नेक्स्ट इज द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। जैसे उसके केस में, कॉनकेव के केस में वी वर हैविंग सिक्स केसेस, इन कॉन्वेक्स वी आर हैविंग ओनली टू केसेस। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। नाउ आई थिंक आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, अगर इन्फिनिटी पे है वहाँ से दो पैलर रेडिएशंस लाएंगे, उनको मिरर पे फॉल करवाएंगे,
और देखेंगे रिफ्लेक्टर रेज कहाँ पे मीट करी। आप देखेंगे कि रिफ्लेक्टर रेज कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी, तो मीट करवाने के लिए हम उनको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे और जो एक्सटेंडेड रेज हैं वो जाके मीट करेंगी मिरर के बैकवर्ड साइड एट अ पॉइंट दैट इज एफ। तो हम बोलेंगे इमेज कहाँ बनी, एफ पे बनी। कैसी बनी, वर्चुअल, बिकॉज रेज को एक्सटेंड किया। इरेक्ट बनी, मतलब जिस एक्सिस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा था उसी एक्सिस पे बनी, और जो इमेज बनी उसका साइज बहुत स्मॉलर था। नेक्स्ट केस इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। कॉन्वेक्स मिरर के केस में आप इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लें, कहीं भी कोई भी दो रूल लगा लें, जो इमेज बनेगी वो सेम बनेगी। इसलिए हम ज़्यादा पोजीशंस नहीं पढ़ते, हम डायरेक्ट लिखते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी। अब देखो ऑब्जेक्ट रख दी ए बी, रख दी, दो रेडिएशंस जाएंगी। पहली क्या, इंसिडेंट रे अगर पैलर जाएगी कहाँ से पास करती है, फोकस से। बट क्या इंसिडेंट रे मिरर को पास करके दूसरी तरफ जा सकती है, नहीं, तो हम रिफ्रैक्टर रे को वहीं से दिखाएंगे। दूसरा केस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टर रे विल ऑल्सो गो फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहीं मीट नहीं कर रही, हम मिरर के पीछे उनको एक्सटेंड करेंगे। जब एक्सटेंड करेंगे तो वील ऑब्जर्व दिल अपेयर टू मीट एट अ पॉइंट बिटवीन पी एंड एफ। तो हम बोलेंगे इमेज कहाँ बनती है, पी और एफ के बीच में। कैसी बनती है, डिमनिश्ड। नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, इट मीन्स कॉन्वेक्स मिरर के केस में हर सिचुएशन में जो इमेज बनेगी वो डिमनिश्ड ही बनेगी। दे कैन नॉट फॉर्म द इनलार्ज्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, इंसिडेंट रे कभी भी मिरर को पास करके दूसरी तरफ नहीं जा सकती, बिकॉज उस तरफ पेंट होता है, पेंट किया गया होता है, लाइट वहीं से रिफ्लेक्ट करके चली जाती है। बट हम सिर्फ ये जानने के लिए कि इमेज कैसे बनेगी, रिफ्लेक्टेड रेज को बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं, बट रियलिटी में रिफ्लेक्टेड रे वहाँ होती नहीं है, तभी वो इमेज वर्चुअल है और रियल नहीं है। अब यूजेस क्या हैं कॉन्वेक्स मिरर के, जो रियर व्यू मिरर होते हैं व्हीकल्स के, जो बाइक्स पे लगे होते हैं, उनमें जो मिरर्स हैं वो कॉन्वेक्स हैं। क्यों, बिकॉज वो जो ऑब्जेक्ट दिखाए, ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाएंगे वो डिमनिश्ड दिखाएंगे। आई थिंक उन मिरर्स पे ये चीज़ लिखी भी होती है। उस वजह से अगर वो डिमनिश्ड दिखाएंगे तो वो ज़्यादा एरिया कवर कर पाते हैं और हम ज़्यादा चीज़ें देख पाते हैं पीछे वाली। एंड इट इज़ यूज एज अ डिवाइस टू चेक थेफ्ट्स इन शॉप्स। एस इमेज मिरर दैट इज गिवन इन द सेकेंड पिक्चर, ये हमारे स्कूल के बाहर भी लगा हुआ है, जो हेल्प करता है कि ज़्यादा बड़े एरिया को हम देख पाएं। दिस इज ऑल अबाउट टूडे। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट सम न्यू थिंग्स।